जनपद झांसी के मरीजों के लिए एक राहत भरी खबर निकल कर सामने आई है। अब झांसी के जिला अस्पताल में सीटी स्कैन कराने वाले मरीजों के लिए मशीन स्थापित कर दी गई है। यहां सीटी स्कैन के जरूरतमंद मरीजों को यह सुविधा निःशुल्क मिलेगी। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि झांसी के जिला अस्पताल में सीटी स्कैन कराने वाले मरीजों के लिए निःशुल्क सीटी स्कैन मशीन स्थापित की गई है। इस नई सीटी स्कैन मशीन का शुभारंभ 13 सितंबर को किया जाएगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक वर्चुअल तरीके से मशीन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद मरीजों के निःशुल्क सीटी स्कैन शुरू कर दिए जाएंगे। मंडलीय अपर निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर प्रमोद कटियार ने बताया कि 13 सितंबर को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक वर्चुअल तरीके से सीटी स्कैन मशीन का शुभारंभ करेंगे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन स्थापित की गई है, कब से इसका शुभारंभ होगा? परसों 13 तारीख से इसका उद्घाटन हो जाएगा। माननीय डिप्टी सीएम एवं हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी इसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे तथा उस समय जिले के गणमान्य व्यक्ति, जनप्रतिनिधि, जितने हमारे अधिकारीगण हैं, डीएम साहब, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे। उनकी उपस्थिति में ये उद्घाटन होगा और हमारी मशीन तो क्रियाशील करीब लगभग 15-20 दिन पहले ही हो गई थी। उद्घाटन की वजह से अभी काम रुका हुआ था। जैसे उद्घाटन होगा तुरंत सीटी स्कैन होना शुरू हो जाएंगे और ये फ्री आपका निःशुल्क सेवा मिलेगी यहाँ के झांसी के निवासियों को तथा आसपास के लोगों को। और ये 24 घंटे मशीन हमारी काम करेगी, 9 से 4 बजे तक तो रूटीन काम करेगी, उसके बाद इमरजेंसी में अगर कोई सीटी स्कैन ज़रूरत पड़ती है तो भी यहाँ पे होगा, जिसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसकी सारी रिपोर्टिंग ऑनलाइन होगी, जिससे रिपोर्टिंग भी बहुत ही अच्छी तरीके से होगी तथा झांसी के लोगों को, आसपास के लोगों को एक अच्छी सुविधा हम उपलब्ध करा पा रहे हैं। एक इस सुविधा का, सेवा का जो निःशुल्क मिल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा। सर, आए दिन मरीजों को कहना होता है सिटी में खराब मिली थी, इसलिए नहीं, अभी पुरानी जो सिटी मशीन लगी है वो काफ़ी पुरानी है, उसको ठीक कराते रहते हैं लेकिन बीच बीच में ट्रिप कर जाती है, ख़राब कर जाती है, इसी वजह से ये नई मशीन लगा रहे हैं। पुरानी मशीन इसके बाद बंद हो जाएगी, फिर कन्वर्मेशन प्रक्रिया में आ जाएगी वो, और ये नई मशीन हमें हमेशा काम करेगी। अच्छा, नई मशीन में खास बात एक ये भी है, ये मशीन कभी भी 3 दिन से ज़्यादा बंद नहीं रह सकती है। अदरवाइज जो मशीन कंपनी लगा रही है उनके अलग से पैसा, जुर्माना लगना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मांग चली कि 24 घंटे सेवाएँ मिलेंगी, निर्बाध मिलेंगी तथा ये मशीन बंद नहीं होगी। जिस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अगर कोई खराबी आएगी तो उसको तुरंत जल्दी से जल्दी ठीक किया जाएगा।